आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये देखिए कपड़ा कैसा आ रहा है और इसमें हमारा दूसरा फ्रेम का जो लीवर है वो टूट चुका है। ये देखिए इसकी वजह से हमारा एक फ्रेम काम करना बंद कर दिया था। ये देखिए ये फ्रेम का जो नक्का होता है वो टूट चुका है, इसकी वजह से हमारा फ्रेम काम नहीं कर रहा था दूसरा फ्रेम। हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कैसे डलता है। देखिए ये तो ठीक है, हमारा कैच लीवर तो ठीक है, लेकिन अंदर का जो फ्रेम है जो इस वाली शाफ्ट पे लगा होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हमें क्या करना है, 4 की L की लेनी है और 4 की L की की जो शाफ्ट है इस शाफ्ट में 4 की L की लग 4 की L की का बोल्ट होता है दोनों तरफ, हमें इसको ढीला कर लेना है। ये देखिए लूज़ कर लेना है और ये देखिए हमने उधर से लूज़ कर लिया, अब हम दूसरी तरफ से इसको लूज़ कर रहे हैं। इतने हम इसको 4 की L की से इसको खोल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्किप ना करें, अगर आपने स्किप कर दिया तो ये आपका डोबी का टाइम ख़राब हो जाएगा और जो ये लीवर हैं सारे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि स्किप बिल्कुल ना करें नहीं तो आपको परेशानी और प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, किस पे आपको वीडियो बनवानी है वो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को हमें शेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ से ये खोल दिया है इसको। अब इसको 20x22 की चाबी से या 18x19 की चाबी से आप इसको हल्का सा घुमाएंगे। ये देखिए अब हम इसको घुमाते हैं इस तरीके से, आपको इसको आप दोनों तरफ घुमा सकते हैं। कभी कभी है ना, ये मैंने सीधे हाथ को घुमाया, आप उल्टे तरफ को भी घुमा सकते हैं ताकि जो हमारे लीवर हैं वो उसके अंदर फंसे होते हैं वो निकल जाए अच्छे से, लेकिन फिर भी इसको बहुत खास ध्यान रखना है नहीं तो ये सारे लीवर ये गिर जाएंगे नीचे। क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ तो बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। देखिए इसका जो नक्का है वो टूटा हुआ है, हम इसको अब क्या करेंगे, ये देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये हमारा नक्का टूटा हुआ है, अब हमें क्या करना है। एक ख़ास कर एक ध्यान और रखना है हमें आपको, मैं फ़िलहाल दूसरा लीवर इसमें डाल देता हूँ, इसी डोबी का निकाल के दूसरी जगह डालता हूँ, लेकिन आपको एक ख्याल रखना है जब आप ये काम करोगे, जो फ्रेम है फ्रेम के अंदर जो डोरी लगी हुई है जो उसको फ्रेम सारी डोरी निकाल लेनी है पहले आपको, क्योंकि मैंने वो नहीं दिखाया आपको, पहले पूरी पूरी जो डोबी के जो फ्रेम है फ्रेम को आपको निकाल लेने हैं, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। उससे पहले जो फ्रेम टंगे हुए हैं सारे फ्रेम को आपको नीचे कर लेना है, यानी डोरी निकाल लेनी है। ये देखिए हमारा फ्रेम ये निकल गया है, ये टूटा हुआ है, ये देखिए। अब हम इसे दूसरी तरफ से बदल लेते हैं, इसी का जो फ्रेम जो नहीं चल रहा है वो निकाल के इसको इधर डाल लेना है। आप नया मंगा सकते हैं लेकिन रात हो रही है तो मैंने इसको इधर से चेंज कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको इधर से निकाल रहा हूँ और यही सेम इसको इधर से इधर लगा देना है, क्योंकि ये फ्रेम ये वाला लीवर हमारा चल नहीं रहा। इसको लीवर को इसमें खांचा बना होता है तो इसका लीवर इसमें डल जाएगा ये, और उसके बाद हमें उसी तरीके से घुमाना है जैसे हमने उसको घुमाया था 20x22 की चाबी से। ये इसका इधर वाला ये लीवर हम इधर डाल रहे हैं, हमारा लीवर हमने इसमें लगा दिया नीचे से हाथ लगा के, जो हमारी शाफ्ट है उसमें खांचे बने होते हैं उसको थोड़ा सा नीचे हाथ भी लगाना पड़ सकता है आपको। ये दो का काम है लेकिन हम एक हाथ से बना रहे हैं, एक हाथ से हमने वो पकड़ रखा है, अभी अब किसी और को दूसरे को बोलते हैं कारीगर को, वो अभी दूसरी तरफ से जो शाफ्ट हमने घुमाई थी अब वो शाफ्ट को उधर की जिधर हमें शाफ्ट पहले थी उसी साइड में हमें शाफ्ट सीधी कर लेनी है। ये देखिए अब हमें शाफ्ट को बिल्कुल सीधा रख लेना है, अब हमारी शाफ्ट सीधी हो गई तो हमारा लीवर फंस गया है और ये अब कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए
आगे वाला लीवर जो कैच लीवर है, अब हम इसको ऐसे ही चार कैलकी से टाइट कर रहे हैं, दोनों तरफ से टाइट करना है इसको। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपका जो लीवर है या टोबी है तो सारे लीवर नीचे गिर जाएंगे और आपकी टोबी बहुत परेशानी होगी। ये देखिए लीवर हम आपको दिखा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको दोनों तरफ से टाइट कर लेना है। और ये देखिए हमने ओके कर दी है मशीन। ये देखिए पहले वैसा तो आप देखो क्लियर आ रहा है, अब हमारे चारों के चारों फ्रेम चल रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।